जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में हत्याओं का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे बदमाशों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। पिछले 3 महीनों में गांव में 3 हत्याएं हो चुकी है। बदमाशों में पुलिस और कानून का जरा भी भय नहीं है। ताजा मामला भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गाँव के नरेश दास के 12 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार का मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गया। बता दें कि उसे 16 मई की शाम को ईंट पत्थर से उसके चेहरे को कुचलकर फतेहपुर बरिहार में फेंक दिया गया था। वहीं मामले को लेकर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। साथ ही परिजन पुराने जमीन विवाद मामले में हत्या करने की बात कह रहे हैं। बगल में रूम है, गैरेज है, वो सर्जन मंडल का है जी। हाँ, तो उसका रूम में जो तो डर से 2-4 घंटा जब इसको दिया तो डर से ऊपर चढ़ गया जी। हाँ, और उसके बाद अनिल ने वहाँ से धकेल के बाहर कर दिया और अंदर से वो जो है तो गेट लगा दिया। अनिल के अनिल है सरजून मंडल का बेटा। सरजून? हाँ, जिसको मारा वो कौन है? वो मेरा बेटा है, मंझला बेटा, अभिमन्यु उर्फ तुलवा। शादीशुदा है? जी हाँ। बाल बच्चा भी? हाँ, बेटा बेटी दो है। मरने वाला कहाँ बताए? मरने वाला बलवा चक्का। किसका बेटा है वो? वो शंकर का बेटा है और राजेश का बेटा है। क्यों मारा? कि गाड़ी हमारा बेटा जो है तो बड़का बड़का गाड़ी का मिस्त्री है और छोटका भी गाड़ी आता है तो वो मिस्त्री से करवाता है, तो उसका कहना था कि छोटा गाड़ी तुम काहे काम करते हो, इसीलिए उसको मारा है। तो बगल में रूम है, गैरेज है।